रास्ते में भी, तो पता नहीं क्यों उसको जाना तो होता है 2 से 3 किलोमीटर, लेकिन वो रेस ले लेते हैं। और ये सामने वाला जो बंदा आप देख रहे हैं, ये वही उनमें स्टूडियो में से एक है, ठीक है। ये देखिए, जब भी हम आगे जाने की कोशिश करते हैं वो आगे चला जाता है और बेमतलब का आगे से दूर उड़ाता है। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, इसको जो जाने दो, हमें तो लंबी दूरी तय करनी है, 2 से 3 किलोमीटर जाएगा। हम एक विलेज के रास्ते में हैं, हमने स्टेट हाईवे को छोड़ दिया है। आजकल तो बहुत कम दिखने लगा है, गांव में भी आजकल बहुत ईंट के मकान हैं, लेकिन देखिए ये कितने पुराने पुराने घर हैं यहाँ पर। अभी तक टीन का ये है, मिट्टी का घर है ये। ये तो मतलब शायद पूछना पड़ेगा, राइट साइड ही है यहाँ से। अच्छा, शुशुनिया जाने का रास्ता बेटा ही? अच्छा ठीक, हाँ हाँ यही है शुशुनिया जाने का रास्ता। अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके फिर सिर्फ इस जंगल को देखकर। मतलब दूर से हम चला के जब आ रहे थे तब यहाँ से हम देख रहे थे ना, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर के लिए रुक के अंदर थोड़ा शॉट वगैरह ले। ये देखिए, ये हमारे पास है, ठीक है। अब जीत अपने क्रिएटिविटी दिखाएंगे, मैं अब कैमरा पकड़ रहा हूँ, ठीक है। से रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा झील जैसा है, वो रोड से जब जा रहे थे उस टाइम ये नज़र में आया और सोचा कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक के जाएं। यहाँ रुक के कैसे जा सकते हैं, इतना अच्छा जगह है ये। मैं यार गांव में रहना चाहता हूँ यार, गांव में, गांव बेस्ट है, गांव का हवा ही कुछ अलग है। ज़्यादा इंटरनेट ज़रूरत है, वो मैं उसके अलावा नहीं रह पाएंगे, लेकिन ये जगह सुपर है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ऐसा लेक जैसा है, आराम करने के लिए एकदम सही जगह है, धूप भी है और गर्मियों के मौसम में आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर अगर आएंगे तो हाथ में एक नारियल का, मतलब नारियल होगा उसका पानी पियेंगे और यहीं पर शायद सिर पे गमछा लगा के बैठेंगे और दूर ऐसे देखेंगे, सोचेंगे, शायद आपको मन में कविताएँ आएँगे, कविताएँ सोचेंगे, अरे गगन के नीचे मेरे टक्कू के ऊपर धूप। बोलिए भैया कुछ जगह के बारे में आपका। मैं स्पीचलेस हो गया हूँ, जितने मुझे बोला जब बाइक चला था तो उसे ये दिखा ये जगह, तो मुझे बोला कि यहाँ रुकते हैं। मैं बोला हाँ ज़रूर भाई, क्यों नहीं रुकते हैं, ऐसी जगह को मिस थोड़ी कर सकते हैं हम लोग जाने वाले शुशुनिया। शुशुनिया के पहले ही हमारे कदम रुक जा रहे हैं बहुत बार, तो आप ये सोच सकते हो कि शुशुनिया पहाड़ का जो इलाका वो कितना खूबसूरत होगा, जो कि उसके पहले ही इतने सारे खूबसूरत इलाके हैं। एक एक पेड़, एक एक पेड़ देखकर ऐसा लगता है कि कितना यहाँ ठहराव है, जीवन शांति है यहाँ पर। फिर कोई अगर रुकता है, रिलैक्स करता है, तो सच में वो पूरा ही रिलैक्स हो जाएगा। ये सब जगह खुद में ही कितना शांत है, यह आदमी के मन में जितना भी कुछ उल्टा पुल्टा चलेगा यहाँ आके शांत हो जाएगा। यहाँ पर रुक के ही बड़ी बड़ी कविताएं जन्म लेती है। सीरियसली मतलब यहाँ पर बैठ के ना आपका क्रिएटिविटी, अंदर का क्रिएटिविटी अपने आप चला आएगा। क्रिएटिविटी ना भी हो, मतलब मन का जितना भी दुख भरा, क्या बताओ, मतलब सुकून मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ कर आपको लगेगा नहीं कि हम ज्यादा बात करें, आपको ऐसा लगेगा कि हम चुपचाप बैठे रहे यहाँ बस, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि आपको बोलना है, इसलिए हम आपको बोलते हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल आ रहे हैं,
ठीक है दुर्गापुर के इलाके में या वेस्ट बंगाल अगर आएंगे तो सुसुनिया पहाड़ आप जरूर आइएगा। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये है। किसी से भी पूछेगा कि बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में जाना है या फिर आप तो आपको आप जीपीएस है मैप है खुद ढूंढ के आ जाइएगा, ठीक है घूम के आ जाइएगा, यहाँ पर जरूर आइएगा। और बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है ये जगह, क्या बोलते हैं इसको, सुसुनिया पहाड़ है, हील है, छोटा सा हील है, छोटा सा हील है। सुसुनिया पहाड़ के बारे में बहुत सारे बातें हैं कि वहाँ पर मतलब स्टोन्स जो है उससे मतलब मूर्तियाँ बनती हैं, बहुत जगह पर मूर्तियाँ मतलब जाती है, यहाँ से लकड़ी के जो काम होते हैं जितने भी लकड़ी के जो फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से बनाते हैं। और किसी भी तरह का अगर मूर्ति आपको चाहिए बनाना, भगवान कोई भी भगवान का मूर्ति चाहिए अच्छा बनवाना, तो सुसुनिया पहाड़ के यहाँ पर आके मूर्ति बनवा सकते हैं। बहुत ही फेमस है यहाँ का टेराकोटा जो है, टेराकोटा जो स्कल्पचर्स है वो यही पर बनते हैं, यहाँ का ट्रेडिशन है। वो हॉर्स जो बांकुड़ा जो हाँ। जो घोड़ा जो कहा जाता है वो लंबी गर्दन वाला वो यहीं की देन है। किलोमीटर रास्ता बाकी है, ठीक है। अभी मेरे पीछे जो स्कूल दिखाई दे रहा है, मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ते तो ये पहाड़ पे चढ़ना उतरना हमारे लिए मतलब ये यूजुअल चीज़ होता है, एकदम कॉमन बात होता है ना। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर स्कूल, उसके पीछे पहाड़, मतलब मेरा मन बैठ गया। मैं सोच रहा हूँ मैं घर बार छोड़ के यहीं पर आके बस जाऊँ, घर पर बता दूँ कि मैं अब नहीं आ रहा। मतलब बैठने का हॉल्ट देने का बहुत ही कम जगह था, फिर भी हम लोग पहुंच चुके हैं सुसुनिया पहाड़ के टॉप पर। हमारा एक घुमक्कड़ है जो वो तबीयत खराब के कारण वो आ नहीं पाया, इसलिए हम दोनों को ही करना पड़ा आज। क्या कहूँ, कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप वेस्ट बंगाल आए तो बांकुड़ा में आकर सुसुनिया पहाड़ पर ज़रूर 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 आना है आपको। हमारा सांस एकदम फूला हुआ है, तो बोलने लायक नहीं है। वाह, लगता है यहाँ से आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। 3:30 बजे तो 5-10 मिनट हुआ है हम यहाँ तक पहुँचे, और यहीं पर आज 4 बजे 5 बजे तक 5 बजे हाँ यहाँ से निकलने वाले हैं। हाँ 5 बजे या फिर 5:30 बजे हो सकता है, 6 बजे भी